सो है गाइस, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार लेवल की रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 16,000। सो गाइस, आपको भी 16,000 के बजट में कोई बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। हमारी वीडियो की लिस्ट में जो भी फोन रहेंगे उन फोन में आपको तगड़े लेवल के कैमरास देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इन फोन में आपको तगड़े लेवल के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपको 6,000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और भी इन फोन में आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, तो आपको भी 16,000 के बजट में कोई बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले फोन जो मिलता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G64 5G। सो गाइस, ये हमारी लिस्ट का बेस्ट ऑलराउंडर फोन रहेगा तो जिन्हें भी बेस्ट ऑलराउंडर फोन चाहिए वो इस फोन को जरूर परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की, स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको प्लास्टिक की शानदार लेवल की बैक देखने को मिल जाती है, 192 ग्राम वेट रहेगा। ये फोन आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले, जो मिल जाती है 6.5 की IPS LCD डिस्प्ले जिसके साथ आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छे लेवल की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, जिसमें आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर आपको एक कैमरा डिवाइस चाहिए तो आप इस फोन को जरूर परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर की, जो मिल जाता है इस फोन का प्रोसेसर, जो मिलता है आपको MediaTek की तरफ से MediaDimensity 7025 वाला प्रोसेसर, 6 nm पर बेस है। तो इस फोन का प्रोसेसर भी आपको टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है, हाई लेवल तक गेमिंग कर सकते हो, आपको गेमिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं अब इस फोन के बैटरी की, जो मिलती है 6000 mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है आपको 30W का फास्ट चार्जर, आपके फोन को 50% 33 मिनट में चार्ज कर देगा। सो बढ़ते हैं इस फोन के अदर फीचर्स की ओर, फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ ये फोन एंड्रॉइड 14 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा और भी इस फोन में आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो आपको 8GB RAM प्लस 128GB 14,999 रुपए में मिल जाएगा। आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को जरूर बाय कर सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं लिस्ट के सेकंड नंबर वाले फोन की, जो मिलता है रियलमी की तरफ से, रियलमी P1 5G। सो गाइस, जिन भी यूजर को गेमिंग डिवाइस चाहिए उनके लिए ये फोन बेस्ट रहेगा क्योंकि इस फोन में आपको तगड़े लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की, स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, साथ में आप प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाती है, 88 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। लुक डिजाइन के मामले में ये फोन टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, जो मिलते हैं 6.67 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 1200 नीट की हाई पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो मुझे काफी अच्छी बात लगी, इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के मामले में ये फोन टॉप नॉच लेवल का रहने वाला है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा, इसमें आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो इस फोन की फोटोज आपको काफी टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। आप कमेंट में बताओ आपको इस फोन की फोटोज कैसी लगी। बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर की, जो मिलता है इस फोन का प्रोसेसर, जो मिलता है MediaTek की तरफ से MediaDimensity 7050 वाला प्रोसेसर जो 6 nm पर बेस है। फोन को प्रोसेसर आपको टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है, आप हाई लेवल तक गेमिंग आराम से कर, आपको प्रोसेसर से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है 45W का फास्ट चार्जर जो आपके फोन को 50% 27 मिनट में आराम से चार्ज कर देगा। गाइस, बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर्स की, इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ये फोन आपको एंड्रॉइड 14 पर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो फाइनली गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्राइस, आपको 6GB RAM प्लस 128GB 15,500 में देखने को मिल जाएगा, इसके साथ आपको ये फोन अंडर 15,000 में देखने को मिल जाएगा, तब से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को जरूर परचेज कर। सो गाइस, लिस्ट के नंबर वन फोन की ओर बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं अपनी लिस्ट के नंबर वन फोन की, जो मिलता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 70 Pro 5G। सो गाइस, ये हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। सो गाइस, वैसे तो इस फोन का प्राइस 20,000 है, बस कुछ ही टाइम से ये फोन 50,000 की रेंज में चल रहा है। सो गाइस, इसीलिए ये फोन वन ऑफ द बेस्ट ही रहेगी। बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की, स्टार्ट करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी। इस फोन में आपको फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, साथ में आपको प्लास्टिक की शानदार लेवल की बैक देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 195 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। तो लुक डिजाइन के मामले में ये फोन टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, जो मिलती है 6.67 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, साथ में 1000 नीट की हाई पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इस फोन की आपको डिस्प्ले टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, जिसमें आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ में आपको 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट की साइड आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। इस फोन से आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे तो इस फोन के कैमरास काफी शानदार लेवल के लगे। गाइस, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर की,
जो मिलता है इस फोन का प्रोसेसर, जो मिलता है मीडियाटेक की तरफ से MediaTek MST7050 वाला प्रोसेसर जो 6 नैनोमीटर पर बेस है। इस फोन का प्रोसेसर आपको टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। आप हाई लेवल तक आराम से गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सो बात करते हैं अब इस फोन के बैटरी की। जो मिलती है 5000 mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है 67 वाट का फास्ट चार्जर जो आपके फोन को 50% 19 मिनट में आराम से चार्जिंग कर देगा। तो बढ़ते हैं अब इस फोन के अदर फीचर्स, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फोन ब्लूटूथ 5.2 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा, और साथ ही ये फोन एंड्रॉइड 14 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो आपको 6GB रैम प्लस 128GB 16,000 में देखने को मिल जाएगा, और बैंक ऑफर के साथ आपको ये फोन और कम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये हमारे लिस्ट का बेस्ट ऑलराउंडर फोन रहेगा, आप इस फोन को जरूर परचेज कर सकते हो क्योंकि इस फोन में आपको टॉप नॉच लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये थे हमारे बेस्ट ऑलराउंडर फोन अंडर 15,000, आप में से कोई भी परचेज कर सकते हो, सभी फोन आपको टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपको मेरी वीडियो जैसी भी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए।